डियर स्टूडेंट वेलकम्स यू एकलव्य अकेडमी जयपुर। आज हमारा IIMC जून 2019 के पेपर का सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसमें जो पेपर का टाइमिंग था वो 1 आवर 30 मिनट था और टोटल मार्क्स थे 200 मार्क्स और जो क्वेश्चन थे नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 थे जिसमें दो पार्ट थे पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन थे जो ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का था और पार्ट बी में 10 क्वेश्चन थे ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का था। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था उसमें इवैल्यूएट 2x+1 x+2 और 2x-1 को इवैल्यूएट करना था। तो यहाँ पे 2x+1 और 2x-1 मिलकर a+b और a-b बनाते हैं तो इसका जो आइडेंटिटी होती है वो a²-b² होता है। तो यहाँ से 2x+1 और 2x-1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x²-1 आएगा और इसको x+2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x³+8x²-x-2 आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है वो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन था वो 15x⁴-y⁴ था जो थोड़ा एरर है इसमें। तो यहाँ पे हम 25x⁴ और y⁴ से क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे 25x⁴ को हम 5x² लिख सकते हैं और y⁴ को y² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो बनेगा वो a²-b² बनेगा जिसका आइडेंटिटी होती है a+b और a-b। तो यहाँ से 5x² + y² और 5x² - y² बनेगा। 5x² - y² वापस a²-b² बन जाएगा तो इसको √5x² और -y² बना देंगे। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो 4x² + y² √5x + y और √5x - y हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मॉन वॉक्स 17 मीटर नॉर्थ ईस्ट एंड 8 मीटर साउथ हाउ फार इज फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है जिसमें हाइपोटेनस 17 मीटर है और परपेंडिकुलर 8 मीटर है। तो यहाँ से हम बेस निकाल लेंगे और वही हमारा ओरिजिन से लेंथ होगी। तो यहाँ पे OB की जो वैल्यू आएगी वो 15 मीटर आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना था जिसमें एक स्क्वायर था जिसमें से एक सेमी सर्किल और एक ट्राइंगल बना हुआ था। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट इसमें AC डायगोनल की लेंथ फाइंड करेंगे। तो यहाँ से 28 का स्क्वायर अंडर रूट निकाल के यहाँ से जो हमारा AC का लेंथ आएगा वो 28√2 आएगा। और हम जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है उसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ से AP जो हमारा आएगा वो 28√2 यानी कि 14√2 आ जाएगा। तो AP और PC बराबर होंगे जिसकी वैल्यू होगी 14√2 हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट करते हैं तो AP और PD बराबर होंगे। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक आइसोसेलस ट्राइंगल है। तो अब अगर हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम निकालने के लिए साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो एरिया आएगा 784 cm² आ जाएगा। अब हमें एक ट्राइंगल के एरिया फाइंड आउट करने के लिए तो यहाँ पे हमें हाइट चाहिए। तो हाइट हमारे पास है नहीं तो हम हाइट निकालने के लिए ट्राइंगल APO की बात करेंगे जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है क्योंकि जो आइसोसेलस ट्राइंगल होता है उसमें जो मीडियन होती है वो बेस को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करती है। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल AOP है वो राइट एंगल भी होगा और AD को बराबर बाइसेक्ट भी करेगा। तो यहाँ पे से हमारा AO और OD की जो लेंथ होगी वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस 14√2 है और बेस 14 है तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर की हाइट निकाल लेंगे। तो हाइट जो हमारी आएगी वो 14√2 का स्क्वायर -14 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारा PO जो हाइट आएगा वो 14 cm आ जाएगा। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे 1/2 × base × height करके तो हमारा जो एरिया आएगा वो 196 cm आ जाएगा। अब हम एरिया ऑफ हाफ सर्किल निकालेंगे तो π r² √π r² / 2 होता है तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी वो 308 cm² आ जाएगी। तो एरिया और शेडेड रीजन आ जाएगा 784 - 196 - 308। तो यहाँ से हमारा जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो 280 cm² आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें A·B 3:7 दे रखा था और B·C 4:9 दे रखा था। तो यहाँ से हम ABC निकालना है तो 3:, तो हमारा जो A·B·C आएगा वो 12:28:63 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ए बॉक्स ऑफ कैंडीज कैन डिवाइडेड इक्वली अमोंग 249 पीपल व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ कैंडीज दैट द बॉक्स शुड कंटेन। तो यहाँ पे हम कैंडीज डिवाइडेड इक्वली अमोंग 249 पीपल है तो यहाँ पे SCF ऑफ 249 जिसका इन तीनों का SCF 1 होता है सो ईच पीपल हैव
वन टॉफी वन कैंडी, तो प्रत्येक जो पर्सन है पीपुल है उसको एक कैंडी मिलेगी, तो टोटल नंबर ऑफ टॉफी हो जाएंगी 2 + 4 + 9, 15 टॉफी हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, इफ 27% ऑफ ए नंबर इज 81 देन फाइंड द नंबर। यदि 27% की वैल्यू 81 है तो यहाँ से 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू 300 हो जाएगी, विल बी ओरिजिनल नंबर, 300 विल बी ओरिजिनल नंबर, 300 हमारा ओरिजिनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा फाइंड द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 411, तो यहाँ से हमारा जो लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर होता है वो 4 × 9 होता है। अब इसको हम 411 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बता है 135। अगर हम इसे 135 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 4 × 9 में से, तो हमारा आंसर आता है 9864, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, द एरिया ऑफ द सर्किल इज 15 टाइम एरिया ऑफ अनदर सर्किल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरकमफेरेंस। तो क्वेश्चन नंबर ए में हमें दे रखा है एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल C1 मान लेते हैं, एरिया ऑफ सेकंड सर्किल C2 मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि C1 इक्वल्स टू 15 C2, तो यहाँ से हम अगर दोनों सर्कल्स के एरिया का रेशियो निकालें तो पाई आर वन का स्क्वायर पाई आर टू का स्क्वायर इक्वल्स टू 15 अपॉन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आर वन का स्क्वायर और आर टू का स्क्वायर निकालें तो 15 अपॉन 1 हो जाएगा, यहाँ से R1 और R2 निकालें तो 15√15 अपॉन 1 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे पेरीमीटर का रेशियो निकालना चाहें तो 2πr1 और 2πr2, तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा और r1 r2 का रेशो आएगा वो 15:1 ही आएगा। तो p1 और p2 का जो रेशो होगा वो √15 और √1 होगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है इस x + 1/x √5 दिया हुआ है, तो हम दोनों साइड अगर स्क्वेयर करते हैं तो यहाँ पे हमारा x² + 1/x² + 2 = 5 आ जाता है। तो यहाँ पे हम x² + 1/x² को इधर रख एक साइड रख लें और 5 और √2 को हम दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दें तो 5 − 2 = 3 बचता है। तो यहाँ पे x² + 1/x² की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ईच साइड 4.18 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ वायर इफ़ द सेम पीस ऑफ वायर इज बेंट इन टू रिंग, फाइंड द डायमीटर। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 4.18 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो बराबर होगा वो सरकमफेरेंस ऑफ रिंग के बराबर होगा 2πr के बराबर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है 3 × a, तो 4.8 × 3 हो जाएगा, और सरकमफेरेंस होता है 2πr, तो 2 × 22/7 × r हो जाएगा। तो ऐसे हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, r बराबर 2r होता है, तो यहाँ से हम 2r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जिसकी वैल्यू 1.9 × 3 × 7 करके जो d की वैल्यू आएगी वो d 39.9 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में ए होलो सिलेंडर कॉपर पाइप इज 210 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट्स आउटर एंड इनर डायमीटर आर 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू वॉल्यूम ऑफ कॉपर यूज इन मेकिंग द पाइप। यहाँ पे जो हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉपर है उसकी जगह वॉल्यूम ऑफ कॉपर आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम वेट निकाल लेंगे तो डेंसिटी चाहिए और डेंसिटी क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम से ही क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे d0 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो r0 निकाल लेंगे 5 सेंटीमीटर, di दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से ri निकाल लेंगे, इनर रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो और l हमारी 210 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर होगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कॉपर यूज इन सिलेंडर, तो पाई आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर इन 12 करेंगे, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे और आर की वैल्यू 5 और आर आउटर की वैल्यू 5 और आर इनर की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आएगा वो वॉल्यूम ऑफ कॉपर आएगा 10,560 सेंटीमीटर³, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, सिंप्लीफाई 5 × 5 × 3 − 5 × 125 × 6 − 5 × 10 − 5, तो यहाँ पे हम जो 125 दिया हुआ है इसको 5³ लिख लेंगे और 10 जो 6 − 5 दिया हुआ है इसको 2 × 3 − 5 लिख लेंगे और जो 10 है उसको 2 × 5 लिख के इसके −1 कर देंगे। तो यहाँ से हम 5 × 5 × 3 − 5 और जो इनको है यहाँ पे 5³ और 2 − 5 और 3 − 5 2 − 1 और 5 − 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा लास्ट में जो आंसर आएगा 125 × 64 आएगा, जिसका हम जो आंसर होगा वो 8000 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, आफ्टर 14 ईयर राम विल बी थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज 4 ईयर अगो, फाइंड इज प्रेजेंट एज। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज एक्स, आफ्टर 14 ईयर एक्स प्लस 14 हो जाएगी, बिफोर 14 बिफोर 4 ईयर एक्स माइनस 4 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 14 जो इक्वल है वो 3 ब्रैकेट एक्स माइनस 4 के बराबर है, तो यहाँ से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 13 ईयर हो जाएगी, तो राम की जो प्रेजेंट एज है वो 13 ईयर होगी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी 5/7 की पावर -x और डिवाइड बाई 5/7 की पावर -4 था और इक्वल्स टू था 5/7 की पावर 5। तो यहाँ पे जब हम पावर को -4 को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स तो 5/7 -x + 4/5 = 5/7 की पावर 5। तो यहाँ पे बेस अगर सेम है तो एक्स माइनस एक्स प्लस फोर और बराबर इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, तो यहाँ से हम माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी -x = 5 - 4 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1, तो हमारा एक्स माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो -1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, द एज ऑफ तन्मय एंड नमन आर इन द रेशियो 5:7, आफ्टर 5 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 5:6, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ तन्मय 5x है और प्रेजेंट एज ऑफ नमन 5 7x है, आफ्टर 5 ईयर तन्मय एज 5x + 5 और नमन की जो एज होगी 7x + 5 होगी। तो यहाँ पे हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, वो हमें क्वेश्चन में 5/6 दिया हुआ है, तो यहाँ से जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x बराबर a1 आ जाएगा, तो प्रेजेंट एज ऑफ तन्मय 5 ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ नमन 7 ईयर हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 6, 9 एंड 15। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो 6, 9, 15 से डिविजिबल होना चाहिए और जो नंबर होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम नंबर तो यहाँ पे हम LCM ऑफ 6, 9 और 15 निकालेंगे तो 90 आएगा। 90 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 का पेयर सही बन रहा है और एक पेयर बनाने के लिए एक 2 और एक 5 की रिक्वायरमेंट है, तो हम जो हमारा LCM आएगा उसको हम 9, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो नंबर बनेगा वो 90 × 10 900 बनेगा, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, टोटल स्टूडेंट हमें दिया हुआ है 3, 4, 8, 1। अब हमें उस क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, देयर आर 3, 4, 8, 1 स्टूडेंट इन स्कूल, द पीटी टीचर्स वांट देम इन टू स्टैंड इन रो एंड कॉलम ईच सच दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम, फाइंड द नंबर ऑफ रो। तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट वर्ड प्रॉब्लम था स्क्वायर से रिलेटेड, वर्ड फ्रॉम था स्क्वायर एंड रूट से रिलेटेड, तो हम यहाँ पे 3, 4, 8, 1 का हमें अंडर रूट निकालना था, तो इसका जो अंडर रूट होता है वो 59 होता है, तो नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल्स टू इक्वल होगी और वो 59 होगी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 था अभिमन्यु हैज 3 टाइम्स एज मनी एज मैनी रेट 2 रुपीज रुपी 2 कॉइंस एज ही हैज रुपीज 5 कॉइंस, इफ द टोटल नंबर ऑफ टोटल मनी ही हैज 77 रुपीज, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव। तो यहाँ पे हमें जो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स थे वो हम सपोज कर करते हैं 3, जो हमारे नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स है वो 3x है और नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स x है, क्योंकि जो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स है वो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स से 3 टाइम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मनी हमें दिया हुआ है 77 रुपीज़, तो यहाँ से हम जो वैल्यू रखेंगे तो 3x कॉइन्स हैं 2 रुपीज़ के तो 3x × 2 और x कॉइन्स हैं 5 रुपीज़ के तो 5 × x करेंगे, तो यहाँ पे हम जो इक्वेशन बनाएंगे वहाँ से x की वैल्यू हमारे 7 आएगी और जब इस x की वैल्यू को 7 को हम रखेंगे तो 2 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं वो 21 आएंगे और नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स आएंगे 7। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, ए मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम इन रिवर एंड कन्वर्ट ए डिस्टेंस एंड कवर ए डिस्टेंस बिटवीन टू कोस्टल टाउन्स इन 5 आवर, इट कवर्स दिस डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 6 आवर, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेट स्पीड ऑफ वाटर इज एक्स, जो हमें 3 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, स्पीड ऑफ बोट हम मान लेते हैं वाई, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई हो जाएगी और स्पीड इन अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई हो जाए स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई हो जाएगी। लेट द डिस्टेंस डी मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम अगर डी हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें स्पीड पता है तो डी अपॉन एक्स प्लस वाई 5 आवर आता है, तो डी अपॉन वाई माइनस एक्स हमारा 6 आवर आता है, तो हम यहाँ पे स्पीड इन अप स्ट्रीम वाई माइनस एक्स मानते हैं,
क्योंकि हमें जो बॉट की स्पीड है वो वाटर की स्पीड से अधिक है। तो यहाँ पे अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का अगर डिवाइड करते हैं तो वाई माइनस एक्स, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड करते हैं तो वाई, तो हमारा जो रेशियो आएगा वो वाई माइनस एक्स, सॉरी अगर इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रेशियो आएगा वो वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5/6 आएगा। तो यहाँ से हम जब इसको, हमें वाई की वैल्यू, हमें एक्स की वैल्यू पता है तो एक्स की वैल्यू जब पुट करेंगे तो -3 + y / 3 + y / 5/6 आएगा। तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू 33 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर, अब हम पार्ट बी की बात करते हैं, तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 80 men binded 9900 books in 10 days. Find how many binders will be required to bind 600 books in 12 days. तो यहाँ पे हमें M1 18 दिया हुआ था, D1 10 दिया हुआ था, और वर्क जो दिया हुआ था, जो बुक्स दी हुई थी 900 वो बाइंड करते हैं। तो M2 हमें फाइंड करना था, D2 की वैल्यू हमें दी हुई थी, WT की वैल्यू होती हुई दी हुई थी। हम जानते हैं कि M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन M2 इंटू D2 इंटू M2 × D2 अपॉन W2 होता है। तो यहाँ से हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो M2 की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें जो ड्रॉ ए पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग डाटा ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, मेंशन द एंगल इन डिग्री ईच ऑफ द सेक्टर। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे पाई चार्ट प्रिपेयर करना था, और पाई चार्ट प्रिपेयर करने के लिए हमें काफ़ी सारे इसमें डेटा दिए हुए थे। तो जिसमें रेंट पे 3000 और फूड पे 2200, इलेक्ट्रिसिटी पे 400, एजुकेशन पे 1200, क्लॉथिंग पे 1500 और सेविंग्स 1800 की थी। तो हम जब हम पाई चार्ट बनाना होता है तो इन जो इन एक्सपेंडिचर को सेक्टर में एंगल में कन्वर्ट करना होता है। तो एंगल में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो हमारा डाटा है उसको टोटल से डिवाइड करके और 360 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हम टोटल अमाउंट निकालेंगे सबसे पहले, तो टोटल अमाउंट हमारा 10,100 आएगा। अब हम एंगल फॉर रेंट सेक्टर निकालेंगे तो 300 अपॉन 10,100 इंटू 360 करेंगे, तो यहाँ से हमारा जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो 106 डिग्री आएगी। ऐसे ही हम एंगल फॉर फूड सेक्टर निकालेंगे तो 2200 अपॉन 10,100 इंटू 360 करेंगे, तो यहाँ से हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 78 डिग्री। एंगल फॉर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर करेंगे तो यहाँ से हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 14 डिग्री, और एंगल फॉर एजुकेशन सेक्टर करेंगे तो यहाँ से भी हमारी वैल्यू 40 डिग्री अप्रोक्सीमेट आएगी। किसी भी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ रही क्योंकि हमारा जो 10,100 है किसी को भी कंप्लीट डिवाइड नहीं करता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो सारी वैल्यूज हैं वो अप्रोक्सीमेट है। एंगल फॉर क्लॉथिंग सेक्टर हमारी 50 डिग्री आएगी, और एंगल फॉर सेविंग सेक्टर हमारी 64 डिग्री आएगी। तो हम जब इस पाई चार्ट को बनाएंगे तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट जो पाई चार्ट बनेगा वो हमारा 106 डिग्री रेंट, 106 डिग्री रेंट रहेगा, फूड पे 78% रहेगा, 78 डिग्री रहेगा, और इलेक्ट्रिसिटी पे 14 डिग्री, एजुकेशन पे 70, एजुकेशन पे हमारा स्टूडेंट यहाँ पे 42 डिग्री रहेगा, और क्लोथिंग पे 53 रहेगा, और सेविंग सेक्टर पे हमारा 64 रहेगा। तो जो हमारा ये जो पाई चार्ट बनेगा ये 357 के समथिंग बनेगा, तो हम इसको 360 के समथिंग मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट बढ़ाएंगे तो ये पूरा 360 का हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना था। तो हमें पता है एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस है हमारी 250 किलोमीटर। अब हमें टोटल टाइम निकालने के लिए T1 T2 T3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो T1 निकालने के लिए हम जो पहली डिस्टेंस है उसकी स्पीड से डिवाइड करेंगे तो 2 आवर आएगा। सेकेंड जो टाइम आएगा वो 120 जो मीटर 120 जो किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो डिस्टेंस तय करता है। तो यहाँ से हम टाइम निकालेंगे तो टाइम आएगा 22/20/9, और ऐसे ही T3 निकालेंगे 1/2 आवर, तो टोटल टाइम हो जाएगा हमारा 85/18 आवर। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए 250 को डिवाइड करेंगे 85/18 से, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो 52/16/7 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो ये भी हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेशन है तो वो थोड़ा टफ है इस एग्ज़ाम में, तो उसके लिए हमको अच्छे से ध्यान रखना है कैलकुलेशन का। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में जो क्वेश्चन ऑप्शन जो हमारा ए था उसमें 6a² - 1a + 3 को मल्टीप्लाई करना था 4a - 2 से। तो मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आंसर आएगा 24a³ - 16a² + 14a - 6 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 के बी की बात करते हैं,
तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था 3a² + a 3a² + a + 9 को a + 3 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 3a³ + 10a² + 12a + 27 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, तो ये स्टूडेंट यहाँ पे हमें टोटल जर्नी दी हुई थी 320 किलोमीटर की, और टोटल टाइम दिया हुआ था 4 होल 3 बाई 4 आवर, और 3/4 ऑफ द जर्नी कंप्लीट कर ली गई। तो 3/4 का 3/4 ऑफ 320 निकालेंगे, तो यहाँ से 240 किलोमीटर आ जाएगा, 240 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, 240 जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में जो स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी, तो यहाँ से हमारा 4 आवर आ जाएगा। अब जो रिमेनिंग टाइम है वो 4 होल 3/4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3/4 आवर आ जाएगा, और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हम स्पीड निकालेंगे, तो 80 / 3/4, तो 18 × 4/3, तो यहाँ से हमारा 106.66 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 में हमको डिवाइड करना था 3x² + 5 + 7x² - 11x³ - 8x² - 32x + 5 को x² + 3x + 2 से डिवाइड करना था। तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, क्वेश्चन जो आएगा हमारा वो 3x³ - 2x² - 11x + 45, और जो रिमाइंडर रहेगा वो 145x - 85 होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, हमें टू डिजिट नंबर हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो टू डिजिट नंबर है वो हम मान लेते हैं 10 + 10y + x। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो उसके डिजिट का डिफरेंस है वो 3 है, तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, x - y = 3। इफ़ द डिजिट आर इंटरचेंज देन द नंबर इज़, तो अगर इस डिजिट को चेंज कर दें तो यहाँ पे हमारा जो नंबर होगा वो 10x + y होगा। फिर क्वेश्चन में कह रखा है कि अब जो पहला नंबर है और अब जो इंटरचेंज करने पर जो नंबर बना है उनका टोटल 143 है, तो यहाँ पे हम दोनों यहाँ पे हम 10y + x और 10x + y को ऐड करेंगे, तो हमारा x + y की वैल्यू यहाँ से 13 आ जाएगी। अब हम इक्वेशन वन और सेकंड से सॉल्व करेंगे, तो हमारे x की वैल्यू 8 आ जाएगी, और x की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x y = 5 आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा नंबर या तो 58 होगा या 85 होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, टोटल अमाउंट 2324 था, और विवेक और विशाल और गौरव का जो रेशियो था वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था, तो इसे हम सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम इसे इंटीजर में चेंज करने, ये होल नंबर में चेंज करने के लिए एलसीएम लेके और एलसीएम से इन सारे रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा फाइनली जो रेशियो आएगा वो 30:32:22:21 आएगा। अब हम यहाँ से विवेक शेयर फाइंड करना चाहते हैं, तो जिसका शेयर फाइंड करना चाहते हैं उसके रेशियो को ऊपर रखेंगे और टोटल रेशियो को नीचे रखेंगे, इंटू मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट से कर देंगे, तो 30/83 × 2324 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 840 यहाँ से विवेक शेयर आ जाएगा, विशाल का शेयर 896 आ जाएगा, और गौरव शेयर यहाँ से 588 आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रत्येक का यहाँ से शेयर फाइंड कर सकते हैं। अब हमें 29 जो क्वेश्चन था वो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड था, यहाँ पे दिया हुआ था कि जो लॉस है वो 5% है, तो यहाँ से SP1 जो दिया हुआ था क्वेश्चन में वो 1000 है, तो यहाँ से हम 5% की प्रॉफिट होती है, 5% की वैल्यू होती है 1/20, तो यहाँ पे 20 CP है, और अगर हमें SP निकालना है तो CP - लॉस करेंगे, तो यहाँ से SP19 आ जाएगा SP1, और SP1 की वैल्यू हमें 1000 दी हुई है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू 1000/19 आ जाएगी, और 100 CP, अब CP निकालना है तो 20 की वैल्यू फाइंड करना है, तो 20 × 1000/19 हो जाएगा, तो CP हमारा 20000/19 हो जाएगा। अब वो 8% प्रॉफिट इस पर लेना चाहता है, तो 8% की वैल्यू, तो यहाँ पे 8% प्रॉफिट लेना चाहता है, तो 8% की वैल्यू होती है 8/10, तो हमारा 8/100, तो यहाँ से 100 100 जो CP है उसकी वैल्यू 20000/9 दी हुई है, तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जो हमारा SP2 होगा वो 108 होगा, तो 108 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो SP2 की वैल्यू 2400 रुपीज़ आ जाएगी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा जो आंसर होगा है जो जो सेलिंग प्राइस होगा वो 2400 होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे दो क्वेश्चन दिए हुए थे, जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें इन द गिवन फिगर ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई, ए बी और डी पैरेलल थी, तो वैल्यू हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना था, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम डी को एक्सटेंड करेंगे और ए बी को एक्सटेंड करेंगे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट डी पे एक लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, 95 हमें दिया हुआ है, तो दूसरा एंगल 85 हो जाएगा,
ऐसे ही ए बी, ए बी को जब एक्सटेंड करेंगे तो बी पॉइंट पे हमारा लीनियर पैर एंगल बनेगा, एक 120 दिया हुआ है तो अंदर वाला जो एंगल सी बी एफ है वो हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। अब हम इस दोनों दो जो पैरेलल लाइन है और उनको जो इंटरसेक्टिंग लाइन सी डी के उनको इंटरसेक्ट कर रही है वो हम देखेंगे कि यहाँ पे 85 और एंगल सी एफ जो बी है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो 80 जो हम, तो हमारा एंगल सी एफ बी बी 85 हो जाएगा। अब हम ट्राइंगल बी सी एफ में देखते हैं तो हमारा, हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे हम 60 प्लस 85 प्लस एक्स को टोटल करेंगे, 180 के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 35 फाइंड आउट हो जाएगी हमें, तो हमारा यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी वो 35 आएगी। अब हम के सेक्शन जो हमारा ऑप्शन दूसरा है उसमें हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी आर, पी क्यू और आर एस पैरलर हैं और एंगल आर क्यू एस 40 डिग्री है, एंगल क्यू एस सी 75 है, देन एक्स एंड वाई आर, तो एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल आर क्यू एस में देखते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा जो क्यू एस ई जो एक्सटीरियर एंगल है हमें पता है कि उसका जो टोटल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनके टोटल के बराबर होता है, तो हमें एक्स प्लस 40 की वैल्यू 75 के बराबर हो जाएगी, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू 35 फाइंड आउट कर लेंगे। अब स्टूडेंट हमें पता है कि पी क्यू और आर एस पैरेलल लाइन है, तो यहाँ से हम जो इंटरसेक्टिंग लाइन आर है, आर ए है, तो यहाँ से हम जो 35 डिग्री हमारा जो एंगल आया है ये एक्स जो 35 आया, तो हमारा जो पी क्यू आर है वो भी 35 हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल्स होते हैं, तो एक्स जो 35 आया था वो एंगल पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे एक एंगल हमें पता है ट्राइंगल पी आर क्यू में, एक एंगल 90 डिग्री एक 35 हो गया, तो यहाँ से वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे, वाई प्लस 35 प्लस 90 अपॉन 180, तो यहाँ से हमारी वाई की वैल्यू 55 डिग्री हो जाएगी, और एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक्स की वैल्यू 35 डिग्री हो गई। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 30 के ये दो ऑप्शन हैं, ये भी इस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। स्टूडेंट फॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और इंग्लिश और जीके का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, और ये जो इंग्लिश और जीके का जो सॉल्यूशन है वो हम कल अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।